हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, मैं वरुण आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, फाइनली ये वीडियो मैंने यहां पर पब्लिश किया है। आप लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा होगा आजकल। आप लोग न्यूज में देख रहे हो कि बैंकों का मर्जर हुआ है। ये कुछ बैंक जो यहाँ पर मर्जर हुए हैं, ये कौन कौन से बैंक का आपस में मर्जर हुआ है और साथ में इसका क्या बेनिफिट है या फिर इसका क्या नुकसान होगा इंडियन इकोनॉमी पर, तो ये मैं बताने वाला हूँ आप सभी को इस वीडियो में। एक कंप्लीट एनालिसिस लेकर आया हूं बहुत ही कम वर्ड्स में। तो चलिए विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि कौन कौन से बैंक्स का अभी हाल ही में मर्जर हुआ है, जो कि आपको माइंड में अपने सेट कर लेना है क्योंकि एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। अगर आप बैंक एस्पिरेंट हैं तो आप ये मान लो कि जीए के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रखे हुए हैं, और अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं या फिर किसी भी अनदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो गाइस, यहां पर जैसा कि अगर बात करें कि हमारा लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, लार्जेस्ट हमारा पीएसबी है, एसबीआई। तो एसबीआई का एमलगेशन पहले ही हो चुका है, एसबीआई में मर्जर पहले ही हो चुका है। आप सभी ने देखा था एसबीआई त्रावणकोर, एसबीआई कोयम्बटूर, इन सबका आपस में मर्जर पहले ही हो चुका था, तो इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर मैंने ये आपको बता दिया है कि बिजनेस साइज कितना है, ये रुपी लाख करोड़ में मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो एसबीआई का जो बिजनेस साइज है वो सबसे बड़ा है, ये 52.05 रुपी लाख करोड़ है। इसके बाद हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको करंट अफेयर में बताया हुआ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भी दो बैंक्स का मर्जर हुआ था। ये विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों का मर्जर हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। और इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया था। और बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर बिजनेस साइज की बात करें तो इसका बिजनेस साइज है 16.13 रुपी लाख करोड़। सो इन दोनों को हमें छोड़ देना है, इन दोनों का पहले ही मर्जर हो चुका है। अब बात आ रही है इन चार बैंक्स की, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, एक पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा कैनरा बैंक, तीसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और चौथा इंडियन बैंक। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक ये हमारा एंकर बैंक है, ठीक है, ये हमारा एंकर बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों को अब मर्ज कर दिया गया है। और इसी के साथ पंजाब नेशनल बैंक भारत का सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन चुका है। इसका बिजनेस साइज की अगर बात करें तो ये जस्ट 52.05 के बाद है 17.94। सो दैट्स व्हाई पंजाब नेशनल बैंक इज द सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर कैनरा बैंक की बात करें तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यह डिसाइड किया है कि कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया जाएगा, और दोनों में एंकर बैंक कौन रहेगा, कैनरा बैंक ही रहेगा। और इसी के साथ ये बन जाएगा भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक, और इसका जो बिजनेस स्ट्रेंथ है ये रहेगा 1.15.20 लाख करोड़। ओके, इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर की बात कही गई है दो बैंकों की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक दोनों का मर्जर कर दिया जाएगा, तो इसी के साथ ये बन जाएगा भारत का पांचवा सबसे बड़ा बैंक, और इसका बिजनेस साइज हो जाएगा 14.59 रुपी लाख करोड़। और इसके बाद इंडियन बैंक की बात कही गई है, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्जर कर दिया जाएगा। गाइज, यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली है, ये बात आपको कंफ्यूज कर सकती है कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक हालांकि पुराना बैंक है लेकिन इलाहाबाद बैंक को एंकर बैंक नहीं रखा गया है। इसका रीजन है कि इलाहाबाद बैंक के पास काफी सारे एक्सोटिक ऑफर्स जो होने चाहिए वो नहीं है। पिछले कुछ टाइम में भी ये देखा गया है कि इलाहाबाद बैंक एसबीआई इंश्योरेंस का इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है, उसके पास अपने खुद के एक्सोटिक ऑफर्स इतना पुराना बैंक हो जाने के बाद भी नहीं है। तो इस वजह से इलाहाबाद बैंक को इन सारी चीजों को देखते हुए मर्जर करने का अनाउंसमेंट कर दिया गया है इंडियन बैंक में। तो इंडियन बैंक में मर्जर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक का, और एंकर बैंक रहेगा इंडियन बैंक। ध्यान रहे ये चारों बैंक हमारे एंकर बैंक हैं, इसीलिए यहां पर मैंने एंकर बैंक लिख दिया है। तो अल्टीमेटली यहां पर आपको ये पता लगा कि ये हमारे चार बैंक हैं जिनमें मर्जर अभी हाल ही में किया गया है। ये चार बैंक आपको यहां पर ये ध्यान रखने हैं जितने मैंने येल्लो कर रखे हैं, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कि ये जो मर्जर हुआ है इसके क्या क्या फायदे होंगे, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आफ्टर द मेगा पीएसयू बैंक कंसोलिडेशन देयर विल बी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन सिस्टम इंस्टीड ऑफ 27। अभी तक हमारे 27 बैंक हुआ करते थे, अब केवल भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स काम करेंगे। पहली चीज, बैंक्स मेन जो हमारे लीडिंग बैंक्स हैं ये कम होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कुछ ना कुछ हमारी कॉस्ट कटिंग भी होगी, मतलब कि भारत सरकार का पहली चीज तो यहां पर पैसा बचने वाला है। दूसरी चीज, अनाउंसिंग स्टेप्स टू एम्पावर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड अ बोल्ड मीटिंग
बोर्ड कमेटी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक विल अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ जनरल मैनेजर्स एंड हायर पोजीशन। अल्टीमेटली यहां पर भारत सरकार का कहना यह है और फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना यह है कि मर्जर के बाद जो हमारे हायर पोजीशन के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग और प्रमोट करेंगे और स्पेशल ट्रेनिंग देकर उनसे कम लोगों से ज्यादा काम कराया जा सकेगा। नेक्स्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि देखा जा रहा है कि एनपीए लगातार बैंक्स का बढ़ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है बैंक्स क्या करेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे ही करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम चीफ रिस्क ऑफर्स विल बी रिक्रूटेड एट मार्केट लिंक्ड कंपनसेशन टू अट्रैक्ट बेस्ट अवेलेबल टैलेंट। अल्टीमेटली यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब बैंक्स का मर्जर हो जाएगा तो यहां पर क्या है कि जो हमारी अभी क्या थे कि बैंक्स आपस में कॉम्पिटिट कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, अब जब बैंक्स का मर्जर हो रहा है तो उन सभी की स्ट्रेंथ एक साथ आ जाएगी। जब स्ट्रेंथ एक साथ आ जाएगी तो मार्केट में हाइक मिलेगा पैसे को। ओके, इसके बाद अगली बात करें तो अगला स्टेटमेंट है हमारा द गवर्नमेंट फर्दर सेड पीएसयू बैंक्स विल बी रिपोजिशंस टू टेक द इकोनॉमी टू द 5 ट्रिलियन मार्क्स। भारत सरकार का यह कहना है कि ये जो स्टेप उठाया गया है, ये जो इन बैंक्स को मर्जर कर दिया गया है, इन बैंक्स को मर्जर करने का रीजन एक सबसे बड़ा ये है कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है। भारत अभी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ध्यान रखिएगा 3 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी हम लोग 2019 में बन जाएंगे लास्ट तक। लेकिन भारत सरकार पहले भी अपने बजट 2019 के एजेंडा में बोल चुकी है कि भारत सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि अगले लोकसभा इलेक्शंस तक हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए। हालांकि वो बात अलग है कि अभी इंडियन मार्केट में रिसेशन भी देखने को मिला है और ऑटोमोबाइल जो मार्केट है यहां पर भी कई सारा रिसेशन देखने को मिला है। अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल सामने आ रहे हैं, जैसे कि हमारे जो हथकरते हैं वो वाली जो फैक्ट्रीज हैं हमारी वो सारी बंद हो रही हैं। ऑटोमोबाइल में करीब 3,000 एम्प्लॉयज की नौकरी जा चुकी है और पार्ले जी जैसी कई सारी फैक्ट्रीज जो कि जीएसटी की चपेट में आ गई और उनका कहना है कि जीएसटी की मार वो सह नहीं पाई और फाइनली वो भी बंद कर रही है। हालांकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पार्ले जी के पीछे, बंद होने के पीछे जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि पार्ले जी बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं एक प्योर एनालिसिस करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। बट अल्टीमेटली आपको यहां पर यह समझना होगा कि इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कुछ खास अच्छी इस टाइम पर नहीं चल रही है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको एनपीए बोलते हैं, एनपीए और बैड लोन्स हैव कम डाउन फ्रॉम 8.65 लाख करोड़ टू 7.90 लाख करोड़। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने यहां पर यह चीज स्पेसिफाई करी है कि पहले जो हम लोगों ने एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर किया है इसकी वजह से भारत सरकार का जो एनपीए है, जो बैंक्स का एनपीए है, ये घटकर 7.90 लाख करोड़ आ गया है। तो इसका मतलब इनका कहने का यह है कि अब आगे ये जो मर्जर हो रहे हैं इनसे एनपीए और डाउन होगा। तो एनपीए जितना ही कम हो उतना ही अच्छा है, एनपीए बढ़ेगा तो वो गलत चीज है। ऑब्वियस ही बात है एनपीए आप सभी को पता है कि बैंक्स का एनपीए तब बढ़ता है जब कोई बैंक का पैसा ले लेता है और उस पैसे को वापस नहीं करता है। तो अल्टीमेटली इससे नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान इंडियन इकोनॉमी को ही हो रहा है। तो ये जो स्टेप लिया गया है इसको इकोनॉमिस्ट ने बहुत ही मोस्ट अवेटेड स्टेप बोला हुआ है। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं भारत के और फॉरेन के भी इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इसके फेवर में थे और बहुत टाइम से इसका वेट चल रहा था कि कब भारत के ज्यादा से ज्यादा बैंक्स को मर्जर किया जाए। तो अल्टीमेटली अगर हम बात कहें कि ये जो बैंक्स का मर्जर किया गया है ये अभी ग्रीन सिग्नल दिख रहा है इंडियन इकोनॉमी के लिए, लेकिन ये देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम पे कि ये कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन भी कुछ प्लस सिम्टम्स को देखकर या एक्सपेक्ट करके लाया गया था लेकिन डिमोनेटाइजेशन पूरी तरीके से फेल हो गया भारत में। अभी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि किस तरीके से फेक करेंसीज इंडियन मार्केट में आ चुकी हैं, बहुत बड़ी तादाद में आई हैं फेक करेंसीज नए नोट जारी होने के बाद भी। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये जो फेक करेंसीज हैं इनसे कैसे सॉर्ट आउट, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। अब ये दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर और आ चुकी है कि इंडियन जो मार्केट है ये मार्केट डाउन होता चला जा रहा है, जिसको रिसेशन बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये होता है तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम
हो जाएगी इंडियन मार्केट के लिए, और अगर ये संभल ना पाया तो बहुत सारे लाखों नहीं करोड़ों लोगों की नौकरी भी जा सकती है। ये एक कड़वा सत्य है इस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी को लेकर। इसके बाद एट लास्ट अगर बात करें तो इन इट्स बिड टू पुश इन्वेस्टमेंट्स एंड रिवाइव ग्रोथ द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ रेंज ऑफ मेजर्स इन फास्ट फ्यू डेज इंक्लूडिंग ईजिंग ऑफ FDI और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स इन फोर सेक्टर्स एंड अ रिवर्सल ऑफ हायर टैक्सेस ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड अनाउंस्ड इन बजट। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि जो बैंकर्स यहां पर बैंक को जो मर्जर किया गया है, इससे क्या है कि बैंक्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बैंक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो बैंक्स क्या करेंगे जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। जब उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जब इन्वेस्ट करेंगे हमारी बैंक्स में तो हमारा FDI बढ़ेगा, और FDI बढ़ेगा तो हमारा GDP भी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली बात यह है कि ये जो जब हमारे बैंक्स आपस में मिलते हैं तो ऑब्वियस ही बात है हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगा, जब FDI मिलेगा तो FDI के साथ साथ GDP भी बढ़ेगा। सो अल्टीमेटली ये जितने भी फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको यहां पर बताए हुए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। इनसे क्या होगा, अभी ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है बट ये आने वाला टाइम बताएगा कि भारत की इकोनॉमी किधर जाएगी। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये वीडियो और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि मर्जर से क्या क्या फायदे होने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी में। होपफुली ये अच्छा ही हो क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बिल्कुल अच्छा है अभी तक तो, क्योंकि अगर ये खराब होता है तो हमारे और आपके जैसे कई सारे युवा दिक्कत में पड़ सकते हैं और कई सारे लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अभी तक के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सितंबर 10th से पहले मैं एक GS का क्रैश कोर्स ला रहा हूँ अनअकैडमी पर, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आज ही अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लें और मेरा रेफरल कोड अगर आप यूज करेंगे ये है Varun777, इसका यूज करके 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।